गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, होप ऑल वेल एंड सो डू आई. भावना देसाई, योर ईवीएस टीचर इज विद यू विद लेसन नंबर 1 एंड दैट इज सुपर सेंसेस. लास्ट सेशन वी लर्न सुपर सेंसेस ऑफ हियरिंग, दैट सेम वी विल कंटिन्यू हियर. लास्ट सेशन में हमने हियरिंग एनिमल्स में हियरिंग का कितना इफेक्टिव होता है, दे रिस्पॉन्ड, वो सुना देखा था. वो ही सेम टॉपिक वी विल कंटिन्यू नाउ विद एग्जाम्पल. हाई अप ऑन अ ट्री अ लंगूर वॉन्ट्स अदर्स ऑफ डेंजर्स लाइक अ टाइगर और लैपर्ड. सी लंगूर यूज इट्स सुपर सेंस ऑफ साइट मीन्स आईज and saw tiger or leopard. The langur does this by making a special warning call sound. Here the example is कि एक लंगूर पेड़ पे होता है तो from very far दूर से ही वो टाइगर या leopard को या किसी भी dangerous wild animals को देखता है तो वो सबको एक sound से, एक आवाज से सबको warn करता है कि there is a danger. So here langur is using two super senses. First is of sight, langur दूर से देख लेता है और फिर एक special sound से, एक special आवाज से सबको warn कर देता है कि danger is here. We will see second example. Birds also give alarm calls to warn about the danger. Some birds even have different sound for different kind of danger. As for example, there is a different warning call if the enemy is coming from the sky or if the enemy is coming on the ground. Birds bhi apna super sense sound ka use karte hain. They have different type of sounds. As for example, अगर कोई enemy sky में से आ रहा है तो उसका sound बिल्कुल अलग ही होता है कि the enemy is coming from sky. And if the enemy is coming from ground or on the ground, if the enemy is standing on the ground, कोई भी enemy ground पे से आ रहा है तो उसका पूरा sound अलग होता है. तो उनको ये समझ में आ जाता है दूसरे birds को, animals को, कि enemy is coming. Children, as you know, animals, they don't talk. They don't have this capacity of talking. हम जैसे बात करते हैं वैसे वो लोग बात नहीं करते हैं, मगर उनको अगर बात करनी हो तो एक दूसरे के साथ जो conversation, जो बात करनी होती है, वो अलग अलग sound निकाल के बात करते हैं. That they have shown here. Fishes give alarm call by electric signals. इलेक्ट्रिक सिग्नल्स मीन्स यहाँ पे वो जो हम पावर यूज, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो नहीं है, बट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स यहाँ पे पानी में जो वेव्स बनते हैं उसको भी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स कहते हैं. सम एनिमल स्टार्ट्स बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक. द मीनिंग ऑफ अर्थक्वेक इज भूकंप और स्ट्रॉम मीन्स आंधी इज अबाउट टू कम. People who live in forests can see such behavior of animals, came to know of the or come to know of the danger. But they want to say कि animals जब कभी earthquake या earthquake आता है या storm आता है तो वो अपने अलग अलग sound से सबको warn करते हैं कि नाउ द अर्थक्वेक इज गोइंग टू कम, भूकंप आने की तैयारी में, या स्ट्रॉम इज गोइंग टू कम, एंड वो सबको अलर्ट कर देते हैं. दे अलर्ट उन सबको, एनिमल्स को या वहाँ पे ट्राइब्स जो आदिवासी लोग होते हैं उसको अलर्ट करते हैं कि दिस इज गोइंग टू हैपन, ये होने वाला है, तो बी गो टू अ सेफ प्लेस विद डिफरेंट साउंड्स. फॉर दैट आई विल गिव एग्जाम्पल. ट्राइब्स, tribes means adivasi, that live in the forest of the Andaman Island notice the animals behaving in a different manner. They guess some danger, so they moved away
टू अ सेफर पार्ट ऑफ द आइलैंड. सून आफ्टर द आइलैंड वर हिट बाय द सुनामी बट दिस पीपल वर सेव्ड. एज यू नो आदिवासी पीपल दे लिव इन जंगल. तो उन्होंने एक दिन देखा कि एनिमल्स का बिहेवियर, उनका एक्शन, उनका आवाज़ बहुत ही अलग था. बिकॉज दे आर लिविंग इन द फॉरेस्ट, सो उनको उनका ये बिहेवियर इमीजिएटली पता चलता है. तो उन्हें पता चल गया कि देर इज़ सम डेंजर, कुछ होने वाला है. सो वो सब, ये अंडमान आइलैंड की बात है. तो वो लोग ने जब ये बिहेवियर और ये साउंड सुना तो वो लोग सब दूसरी जगह पे चले गए. वो आइलैंड को छोड़ के दूसरी जगह पे चले गए. एंड वंस दे हैव मूव्ड, तो थोड़ी देर बाद सुनामी आया. मगर एज एनिमल्स ने वॉर्न किया था अपनी एक्शन से, अपने आवाज से, तो सब एकदम सेफ हो गए, सेफ रह गए. किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और कुछ भी डैमेज हुआ नहीं. डॉल्फिन्स ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेजेस टू ईच अदर. साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन. डॉल्फिन्स भी अलग अलग आवाज़ से मैसेजेस देती है. और हमारे साइंटिस्ट का ये मानना है कि डिफरेंट एनिमल, अलग अलग एनिमल की अपनी अलग अलग लैंग्वेज, मतलब द साउंड अलग अलग होते हैं. दे डोंट हैव अ पर्टिकुलर साउंड. सबका एक स्पेसिफिक साउंड नहीं होता है, उनका अलग अलग साउंड होता है. कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स? विच एनिमल्स? आपको, आप किसी एनिमल एनिमल के साउंड को समझ सकते हैं तो कौन से एनिमल्स है? यस, आई कैन रिकॉग्नाइज द साउंड ऑफ फ्यू एनिमल्स लाइक डॉग, काउ, कैट, हॉर्स एक्सेट्रा. चिल्ड्रन, एज यू नो, आपके लेन में या वहाँ पे डॉग होता है, वो जो आपको बहुत पसंद है, अगर वो आपको देखेगा तो आपको प्यार करता है, तो वो एक अलग टाइप का ही उसके मुँह में से एक साउंड निकलेगा. If the dog is hungry, अगर वो hungry है तो वो अलग टाइप का ही साउंड करता है. Do some animal understand your language? Which ones? आप जो उनको बुलाने के लिए साउंड यूज करते हो तो वो लैंग्वेज, या आप जो बोलते हो वो लैंग्वेज एनिमल समझते हैं तो कौन से एनिमल आपकी लैंग्वेज समझते हैं? Yes, some pet animals like dog, cow, ox, horse, parrot, etc. can understand our language and gesture. मतलब वो हमारे घर में जो pet animals हम रखते हैं वो हमारी language समझते हैं. and if we are happy, हमारा जो उनकी तरफ जो affection या action होती है वो भी वो लोग समझते हैं. Just like a bird and other, you can also make your own language of sounds for giving message. Remember, you have to talk to your friends with only sounds and no words. This is one example. If you want a particular communication with your friend, और अगर आपको भी उनको उनके साथ ये sound में बात करनी है, not how we are talking, not in that way, मगर अलग अलग साउंड से उसको बुलाना है या उसको समझाना है कुछ, अगर आपने एक वो लैंग्वेज बनाई है तो पहले आपको आपके फ्रेंड को वो लैंग्वेज बतानी होगी कि फॉर कॉलिंग आई विल विसल और फॉर सिटिंग आई विल टैप. ये साउंड से आपका फ्रेंड को सब मालूम होना चाहिए, तो आप भी अपने फ्रेंड के साथ साउंड लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं. स्लीपिंग एंड वेकिंग. स्लीपिंग मतलब सोना, वेकिंग मतलब उठ जाना. सम एनिमल्स गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप इन सर्टन सीजन, देन दे आर नॉट सीन फॉर मैनी मंथ्स. बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं कि वो एक पर्टिकुलर सीजन में पूरा सीजन सो जाते हैं और वो पूरा सीजन हमको दिखते नहीं हैं. रिगार्डिंग दिस, नेक्स्ट सेशन वी विल गो फर्दर के कौन से एनिमल्स को ये हैबिट होती है कि वो पर्टिकुलर सीजन में ही जागते हैं और फिर सो जाते हैं. दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, बाय बाय, सी यू.